السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون آب أنسي كهي اچھا जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या उसके नुकसान को हटा सकते हैं या अल्लाह ताला मुझ पर मेहरबान का इरादा करे, तो क्या ये उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं आप कह दें कि अल्लाह मुझे काफ़ी है भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह से रिवायत है। उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के रसूल वसल्लम को फरमाते हुए सुना इन रुका वमाती वत शिरकन झाड़पूक तावीज़ गंडे और मोहब्बत और नफ़रत के लिए किए जाने वाले आमाल सब शिरक हैं तावीज़ किसे कहते हैं हर वो चीज़ जिसे इंसान गले कमर हाथ में नज़र बद से बचने के लिए या उस जैसी चीज़ों से बचने के लिए इंसान बांधता है गले में कमर में हाथ में नज़र बद से बचने के लिए या उस जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं उससे ये तावीज़ दूर कर सकता है इसीलिए वो बांधते हैं बस जिस शख्स ने इस अकीदे के साथ ऐसे अकीदे के साथ अगर वो बांधता है कि ये तावीज़ के अंदर वो असर है जो क्या है नजर बद को भी दूर कर सकता है बीमारी को भी दूर कर सकता है अगर ऐसा अक़दा रख कर पहनता है तो यही शिरक है ऐसा खीद कर पहनता है तो ये शिरक है चाहे वो क़ुरानी आयत से भी लिखी हो या किसी और चीज़ की हो तो ये तमाम चीज़ें इंसान को शिरकत ले जाती हैं इंसान शिरक में मुब्तला हो जाता है तो इसीलिए इंसान जब ये चीज़ें बांधता है तो इंसान का जो एतमाद है भरोसा जो है इंसान को ताबीज पे चले जाता है जबकि एक मोमिन और मुसलमान जो होता है उसका भरोसा उसका ईमान हर चीज़ अल्लाह आलमीन के जात पे होना चाहिए अल्लाह पर होना चाहिए बीमारी देने वाला ही अल्लाह है बीमारी को दूर ख़त्म करने वाला भी अल्लाह ही है जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है तो इंसान को उस वक्त किन चीज़ों से इलाज करना है क़ुरानी आयात से इलाज करना है और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं इंसान को सिखाए हैं बीमारी से बचने के लिए नज़र बस से बचने के लिए उन तमाम दुआओं का इंसान सहारा लेकर जब इलाज करता है तो अच्छी बात है नहीं अगर इंसान ऐसे ही तावीज़ का सहारा लिया और उस पर भरोसा किया उसको लटकाए फिर रहा है तो ये क्या है इंसान शिरक में मुब्तला हो जाता है देखिए एक वाज मिसाल है अल्लाह आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर शहद का तस्करा किया कहा फ़ी ही शिफा उलन्नास फ़ी ही शिफा शहद का इस्तेमाल करने से तुम्हारे लिए शिफा है तो अगर कोई इंसान ये कहता है वे शहद में शिफा है मैं शहद के बाटल को गले में लटका के फिरऊँगा पीऊँगा नहीं क्या करूँगा गले में लटका के फिरऊँगा क्या उसको शिफा मिलेगी कुरान के साथ ऐसे ही हो रहा है कुरान को पढ़ना है क़ुरान को पढ़ने से अल्लाह रब्लम Al के ज़ात से भरोसा रखने पर कि अल्लाह ताला शिफा देता है अमर ऐसे कुरान को लिख दिए हैं और पता नहीं नंबर लिख दिए हैं और उसको गले में लटका रहे हैं और बाकायदा तौर पर लोग गाड़ियों में नज़र से बचने के लिए मुसाफ का इस्तेमाल करते हैं तावीज़ लटकाते हैं और गाड़ियों में और कोई भी चीज़ है तो चप्पल वगैरह का इस्तेमाल करते नीचे बांध देते हैं और नारियल वगैरह बांध देते हैं मिर्च वगैरह बांध देते हैं बस से बचने के लिए ये तमाम चीज़ें इंसान को शिरक में अंदर मुबतला कर देती हैं तो इंसान का अक़ीदा सही आकैदा यही होना चाहिए कि अल्लाह रब्लम के अलावा कोई नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है और कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है अगर कोई इंसान नफ़ा नुकसान का मालिक ताविज़ को ठहरा दिया तो क्या है शिरक व अकबर में मुबला हो जाएगा और अल्लाह रबालमिन ने फ़रमाया फ़कद शरिक्ला जो अल्लाह के साथ किसी और को शर्क ठहराएगा तो क्या है अल्लाह सुबहान त उस पर जन्नत को हराम करार दिया है उसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो ालि में से हो जाएंगे और अल्लाह तालिबों की मदद नहीं करेगा तो इंसान को ऐसी तमाम चीज़ों से अपने आप को बचाए अपने घर वालों को बचाए और इंसान को अपना अकीदा सही करते हुए अपने घर वालों का अकीदा भी सही करने की कोशिश करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन मुझे और आपको कही और सुनी बातों पर अमल पैा होने की तोफ़ी अदा फरमाए और तावीज़ जैसी जो बुरी चीज़ें हैं जो शिप तक इंसान को लेकर जाती हैं इन तमाम चीज़ों से बचकर सही आकेदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी अत फ़रमाए व वरक